गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था पंक्चुएशन एंड यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, जिसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर तक जो पढ़े उसमें फुल स्टॉप और कॉमा दो पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो हमने पढ़े थे। अब आज तीसरा जो है इसका पंक्चुएशन मार्क इन्वर्टेड कॉमास, उसके बारे में, और फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन चौथा पॉइंट, और फिर एपोस्ट्रॉफी पांचवा पॉइंट जो है इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनका यूज कहाँ पर होता है, किस प्रकार के वाक्यों में जो है वो, या किस प्रकार के शब्दों के लिए इन विराम चिन्हों का प्रयोग, पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग किया जाता है, तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। हालांकि आप इनसे परिचित हो, लेकिन फिर भी आपको एक बार इनके यूज़ के बारे में, इनका उपयोग कहाँ पर होता है, कहाँ पर इन चीज़ों का जो है प्रयोग किया जाता है, वो आपको बता देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन्वर्टेड कॉमास से। इन्वर्टेड कॉमास, हालांकि आपने ये चीज़ें, ये विराम चिन्ह जो है वो देखे हुए हैं, परिचित हो आप इनसे, लेकिन इनके यूज़ के बारे में आप अनभिज्ञ हो, तो इनके यूज के बारे में हम जो है जानेंगे। इन्वर्टेड कॉमास हमेशा आप जो है वो डबल कॉमा दोनों तरफ डबल कॉमास इन्वर्टेड कॉमास कहलाती है, या सिंगल कॉमा भी इसकी जगह पर हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ होना जरूरी है। चाहे वो कोई शब्द हो, चाहे वाक्य हो, उसके दोनों तरफ जो है वो कॉमा जाती है, चाहे वो सिंगल हो, एक ही कॉमा हो, या डबल कॉमा हो, तो वो इन्वर्टेड कॉमास कहलाती है। सिंगल होगी तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास कहलाएगी, डबल होगी तो डबल इन्वर्टेड कॉमास कहलाएगी, लेकिन इसको जो है वो, इन दोनों कॉमा को, दोनों तरफ की कॉमा को जो है वो सम्मिलित रूप से जो है वो इन्वर्टेड कॉमास कहा जाता है। डायरेक्ट डायरेक्शन, अभी हाल ही में हमने किया रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो किया, उसमें आपने देखा होगा रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट कॉमास जो सिंगल कॉमा आती है, जहां पर हम साधारण वाक्यों में दैट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में जो रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग शुरू होता है, उसमें आपने देखा होगा कि कॉमा स्टार्ट होती है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होती है, और उसके लास्ट में जो है वो जहाँ वाक्य पूरा होता है वहां पर कॉमा होती है, मतलब दोनों तरफ जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है वो प्रयोग की जाती है। आपने ऐसा देखा होगा डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच का जो भाग होता है, डायरेक्ट नरेशन का जो भाग होता है, जो सेंटेंस आपके सामने आता है जिसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना होता है, उस डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच के दोनों तरफ शुरुआत में और उसके लास्ट में जो है वो इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखें आप, ठीक है। उसके बाद में एक मैंने उदाहरण भी दिया है, ही सेड टू मी, आपको समझने के लिए कहां से रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, कहां होता है, तो ये देखो, ये तो है रिपोर्टिंग पार्ट, ये जहां पर पूरा हो जाता है यहां पर कॉमा लग जाती है, उसके बाद में देखो ये जो है वो रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें देखिए ये कॉमा ये जो है इन्वर्टेड कॉमास है, ये इन्वर्टेड कॉमास है, ठीक है, ये डायरेक्ट नरेशन का बात है। किसी कोटेशन को लिखने के लिए, किसी कथन को, किसी उद्धरण को लिखने के लिए जो है वो इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया, किसी का कथन है
चाहे किसी महापुरुष का हो या किसी भी व्यक्ति का हो, कथन जो होता है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। जैसे द गीता से गीता कहती है, गीता गीता हमारी धार्मिक पुस्तक, हिंदुओं की रिलीजियस बुक जो है गीता, वो गीता कहती है डू योर ड्यूटी, कर्म करो, कर्म करो गीता कहती है। तो ये गीता का उदाहरण है, गीता का कथन है ये, तो इसको जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा। इस प्रकार के उदाहरण को कोटेशन को लिखने के लिए भी जो है वो इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग किया जाता है। पुस्तकों का नाम, किसी भी पुस्तक का नाम के बारे में उल्लेख किया, किसी ने कहा है किसी के किसी भी पुस्तक के बारे में, चाहे कोई भी पुस्तक, लेकिन किसी व्यक्ति ने किसी पुस्तक के बारे में बात की, सीधा पुस्तक का नाम होगा, पुस्तक का सीधा नाम लिखा हुआ होगा, केवल नाम होगा पुस्तक का, तो इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएगा। किसी ने जो है वो किसी पुस्तक के बारे में बात की है, पुस्तक का नाम लिया है, तो उसको कॉमा में लिखेंगे। निबंध के बारे में बात की है, लेख के बारे में बात की है, पत्र के बारे में बात की है, पत्र के नाम के बारे में बात की है, जहाज के नाम के बारे में बात की है, तो उस कथन को जो है उस जहाज के नाम को, उस निबंध के नाम को, उस लेख के नाम को, उस पुस्तक के नाम को जो है वो इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे। सिंगल इन्वर्टेड किसमें, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से। ही रीड हैव यू रीड द गीता, आ पुस्तक का नाम है। किसी ने कहा हैव यू रीड गीता, क्या आप गीता पढ़ चुके हैं, गीता नाम की पुस्तक जो है वो आप पढ़ चुके हैं, तो किताब का नाम है। देखो दोनों तरफ जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है। तो इस प्रकार से अगर किसी पुस्तक का नाम है, किसी निबंध का नाम है, किसी लेख का शीर्षक का नाम है, या किसी पत्र का नाम है, या जहाज का नाम है, किसी के द्वारा जब इनका नाम लिया जाता है, तो उस नाम को जो है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो अपने पॉइंट हो गया इन्वर्टेड कॉमास। पहले हमने पढ़ा फुल स्टॉप, एक नंबर, दो नंबर कॉमा, दो नंबर कॉमा, और तीन नंबर इन्वर्टेड कॉमा, और चौथा नंबर हमारा जो है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। प्रश्न वाचक चिन्ह, प्रश्न वाचक चिन्ह, आप परिचित हो इससे, प्रश्न के पीछे आपने ऐसा देखा होगा निशा, तो इसका सीधी सी बात है, इसका यूज हमेशा प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में होता है। प्रश्न पूछा जाता है, जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है, जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जिस वाक्य में प्रश्न होता है, उस प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में इस निशान का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ये तो अपना पॉइंट हो गया चौथा। अब पांचवा पॉइंट जो है वो है एपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी ये निशान होता है कॉमा का, और कॉमा का निशान ये ऊपर की तरफ होता है। जैसे हमने कॉमा पीछे पढ़ा, वो कॉमा उस किसी शब्द के नीचे की ओर आता था, लेकिन ये शब्द के ऊपर की ओर आएगा, इसलिए इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। प्रयोग कहाँ होता है, नाउंस के पजेसिव केस के लिए, संबंध सूचक नाउन होती है, जिससे किसी का, किसी संज्ञा का किसी दूसरी संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाता है कि ये उसका है या ये उसकी है। तो इस प्रकार से संबंध जब स्थापित किया जाता है, तो संबंध स्थापित करने के लिए उस नाउन के साथ में एस लगा करके उसके पहले एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है। कैसे देखें, कमल्स हाउस, ये एस लगाया, इसके पहले जो है ये देखो एपोस्ट्रोफी लगाई, तो ये बन गया, ये बन गया, और ये है संबंध सूचक अवय, संबंध सूचक अवय। ठीक है, निर्मल पेन, तो यहां देखो ये आया है, तो इस प्रकार से जब इसका प्रयोग होता है तो इसको एपोस्ट्रोफी कहा जाता है। कुछ शब्दों को संक्षिप्त बनाने के लिए, कुछ शब्द जो है वो जब बड़े होते हैं तो उनको हम जो है संक्षिप्त करने का प्रयास करते हैं, उनको छोटे रूप में लिखना लिखने का प्रयास करते हैं, ज्यादा जरूरी होता है,
तो हम उसको जो है वो एपोस्ट्रोफी लगा करके संक्षिप्त करते हैं। जैसे आई हैव लिखना है तो आई लिख करके ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा करके वी ई कर दिया, इसका फुल फॉर्म होता है आई हैव। ऐसा आपने देखा होगा लिखे हुए कई बार, कांट कैन नॉट, तो एपोस्ट्रोफी लगा करके जो है एन ओ कोटा दिया है, कांट बन गया। इस प्रकार बहुत सारे शब्द संक्षिप्त किए जाते हैं जिनके ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाई जाती है। उसके बाद में संक्षिप्त रूप वाले शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए, वो संक्षिप्त रूप वाला शब्द है, किसी को संक्षिप्त बनाया हुआ है शब्द को, उसका अगर बहुवचन आपको बनाना है तो उसके पीछे एपोस्ट्रोफी लगाई जाती है। जैसे एम ए, एम ए, एम ए क्या है, एम ए है, एम का मतलब मास्टर और ए का आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स कहेंगे इसको, और संक्षिप्त में इसको कर दिया एम ए, ये संक्षिप्त रूप है इसका। अब इसका बहुवचन बनाना तो आपको इसके पीछे जो है वो कैसे एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, फिर एस करना पड़ेगा, तो एम ए हो गया। ठीक है, इस प्रकार के संक्षिप्त रूप वाले शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए भी जो है वो आपको एपोस्ट्रोफी लगा करके लगानी पड़ती है। तो ये जो है वो आपके कुछ पंक्चुएशन मार्क्स थे जो मुख्य थे, इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा इसमें एक और मेरे हिसाब से रहता है, नहीं आया है उसको मैं करवा देता हूँ अगले लेक्चर में, क्योंकि अपने इसमें पंक्चुएशन मार्क में एक और भाग रहता है जिसका है कैपिटल यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर्स वाला जो वीडियो लेक्चर जो है वो नेक्स्ट लेंगे, उसके साथ में मैं ये एक विराम चिन्ह वाला एक पॉइंट जो रहता है, ये पांच हो गए, छठा पॉइंट जो है वो उसमें लेंगे ले लेंगे, और उसके बाद जो है वो कैपिटल लेटर्स हम करेंगे। आपको सबसे पहले इनका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप, और स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आप उसको जूम करके बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में लिखें और इनको सीखें कि किस प्रकार के वाक्य में किस शब्द के साथ किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आपको मालूम होगा इंग्लिश एक भाषा है और भाषा में विराम चिन्हों की बहुत ही आवश्यकता होती है, बिना विराम चिन्हों के किसी भी वाक्य का किसी भी बात का जो है सही अर्थ जो है वो नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए विराम चिन्ह ज़रूरी होते हैं। और जब भाषा आप भाषा का अध्ययन करोगे और एग्ज़ाम में जब आप बिना विराम चिन्हों के किसी भी प्रकार के लेख को या सेंटेंस को आप लिखोगे, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग नहीं होगा, तो अगर एग्जामिनर जो है आपकी कॉपी चेक करने वाला जो है वो अगर वास्तव में सही देख करके सही ढंग से कॉपी अगर चेक करेगा तो वो आपके जो है वो अगर आपने उचित विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया तो वो आपके अंकों को जो है वो काट सकता है। इसलिए ये ध्यान में रखें कि आपको किस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर करना है। आराम से काम करें लेकिन बढ़िया काम करें, बार बार इन चीज़ों को देखना न पड़े, ये मूल चीज़ें हैं। इनका प्रयोग जहाँ अंग्रेजी आपकी स्टार्ट होती है जिस क्लास में, उसके साथ ही इन विराम चिन्हों का प्रयोग भी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसका प्रयोग हमने पहले सीखा नहीं लेकिन अब जो है वो हम ये सीख रहे हैं, तो इसमें जो है वो आप इस बात को गंभीरता से लेकर के इन चीज़ों को जो है वो तैयार करें ताकि आगे जो है आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और सही विराम चिन्हों का प्रयोग करके अच्छे अंकों को जो है वो आप प्राप्त कर सकें। तो इसके साथ ही आज का अपना ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका लास्ट इसका विराम चिन्ह जो है एक्सक्लेमेशन मार्क जो है विस्मयादिबोधक
चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मयबोधक चिन्ह कह सकते हैं, वो रहता है लास्ट, वो करवाएंगे उसके बाद यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स करवाएंगे। लेकिन इस वीडियो लेक्चर को अपन ये समाप्त करेंगे। थैंक यू।